पाकिस्तान में कायम चीनी सिफारत खाने के नायब सरबराह चाउली चियान ने कहा है कि सी पैक के तहत बलोचिस्तान के आवाम के लिए तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। चीनी सिफारत खाने की जानिब से कोयटा में हजारगंजी और मियागुंडी समेत 5 मुख्तलिफ मकामात पर शमसी तवानाई के तहत पानी की फरहमी के मनसूबों की इफ्तताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीन की जानिब से बलोचिस्तान के आवाम के लिए सहूलियात की फरहमी सी पैक की तरजीहात में शामिल है। इस मौके पर कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने कहा कि सी पैक के तहत सूबे में शहराओं की तकमील और तरक्याती मंसूबों का सिलसिला जारी है। चीनी सिफारत खाने के नायब सरबराह चाउली चियान ने बलोचिस्तान के कबायली सरदारों और अमायदीन से मुलाकात के दौरान उन्हें सी पैक से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर के बारे में आगाह किया और कहा कि पाक चीन इक्तसादी राहदारी का मनसूबा पाकिस्तान की इक्तसादी और समाजी तरक्की में इनकलाब लाएगा। उन्होंने कहा कि सी पैक के बुनियादी मनसूबों में से 40% बलोचिस्तान में मुकम्मल किए जा रहे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने 2 बार चीन का दौरा किया और कई मरतबा इस अमर पर जोर दिया कि हमें चीन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि गवादर पोर्ट की तामीर के जरिए मुस्तकबिल में पूरे पाकिस्तान और खास तौर पर बलोचिस्तान को फायदा पहुँचेगा। कोयटा के दौरे के मौके पर चीनी सिफारत खाने के नायब सरबराह चाउली चियान ने कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी के हमरा बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी और सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी का दौरा भी किया।